हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो आज 1:30 PM पे आप हमारे साथ जुड़ चुके हो, जहां रेगुलर हम लोग सब्जेक्ट वाइज 30 सवालों की लड़ाई लड़ते हैं। किसके लिए? तो जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो SSC की बात कर लें या ग्रुप डी की बात कर लें या फिर बात कर लें NTPC CBT 2 की, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हो यहाँ पे वाईफाई स्टडी पे, जहाँ पे आप रेगुलर जुड़ते हो। तो माय डियर, एक चीज़ हमेशा समझना कि 5 तारीख से कई सारे बच्चों के पेपर हैं MTS के, उसे भी आप टारगेट करिए। लेकिन जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कभी पूरी नहीं होती है जब तक आपके सिलेक्शन नहीं हो जाते हैं। और आपके सिलेक्शन में 4 चांद तभी लगेगा जब आपके सिलेक्शन होंगे। और इसके लिए आपको 2 चीज़ करनी होगी। पहला कि एक नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा और आपको अपनी एक्यूरेसी पे मेंटेन रखना पड़ेगा। एक्यूरेसी के लिए क्या करना होगा? आपको रेगुलर जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, चाहे अनअकैडमी की बात करें, स्पेशल क्लास की बात करें या फिर यूट्यूब की बात करें। गुड आफ्टरनून माय डियर। अभी आप देखोगे कि ये सितंबर का महीना, अब 2 दिन बचा हुआ है सितंबर में। आज आप देखोगे तो क्या है, 29 तारीख है और कल 30 है। तो अब ये ऑफर जो चल रहा है स्टिल, 24 महीने में 8 महीने एडिशनल और 12 महीने में 4 महीने एडिशनल, ये अभी भी बरकरार है, स्टिल हैं, केवल 2 दिनों तक। 2 दिनों तक यानी माय डियर आज और कल, यानी 30 सितंबर तक, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा बाबर 10, जहां से आपको और फ़ायदा मिले, 10% का रिबेट। आपके पास क्रेडिट पॉइंट होंगे जो आप स्पेशल क्लास करते हो, वहां से भी आप 10% का फ़ायदा उठाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब फिर देख सकते हो बच्चे 24 महीने का कितना, 7800 है, लेकिन 325 रुपये महीना पड़ता है ना। आप ज्वाइन कर सकते, करिए हमारे साथ, ठीक है भाई। और अगर आप रेलवे पेरेंट हैं तो आप जरूर ज्वाइन करिए हमारी क्लास 9:05 पे सुबह, जहां जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होगी, ठीक है, क्योंकि प्राइस अभी तक हाइक नहीं हुए, बहुत जल्द हाइक होंगे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगाकर ज्वाइन करिए। किसी भी, अब आप तैयारी करिए बैंक, रेलवे से आप 10% का फायदा उठा सकते हैं इस कोड के साथ। आइए सवाल देखें। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी नियर माउंट आबू? माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी सेकेंड, विजया देव या भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1। गुड आफ्टरनून छोटी, संगीता, काजल, सूरज। अच्छा, सूरज सिंगल लिखा है बेटा, सिंगल क्यों लिखे हो? हेमंत, अविनाश 2003, आशीष, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी नियर माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी को हराया था किसने? भीमदेव सोलंकी सेकेंड। अच्छा जरा बताना, ये कौन सा युद्ध हुआ था? युद्ध का नाम क्या था? उस युद्ध का नाम था गुजरात का युद्ध, जो 1178 में हुआ था। कब हुआ था? 1178 AD, 1178 में हुआ था, भीमदेव सेकेंड, है ना। तो मोहम्मद गोरी की बात करें तो ये 500 वर्षों तक शासन किया था। केवल ये मोहम्मद गोरी नहीं, इनके वंशज हैं। मोहम्मद गोरी 1178 में पराजित होता है, कई सारे युद्ध लड़े थे। 1175 में मुल्तान का युद्ध जो जीतता है ये, 1178 में गुजरात का युद्ध ये हारता है, 1191 में तराइन का युद्ध ये हारता है, 1192 में तराइन का युद्ध ये जीतता है और 1194 में चंदावर का युद्ध भी जीतता है। तो ये सिक्वेंस जरूर याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक मंगोल हमलों का सामना किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोजशाह तुगलक, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत फेस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक्स? जल्दी बच्चे, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक मंगोल हमलों का सामना किया है? मौर्य जी, पढ़ लो यार, काहे इस तरह परेशान करते हो बच्चे। आपको क्या करना, अपनी नौकरी लेनी कि हमें ये देखना है कौन आते हैं पढ़ने, कौन नहीं आते हैं, पढ़ाई करो यार। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक सामना किया मंगोल हमलों का, लेकिन पहला आक्रमण जरा बता दो किसके समय में हुआ था? पहला आक्रमण किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश के समय में।
पहला आक्रमण किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। पहला आक्रमण इल्तुतमिश के समय है ना। तो सबसे अधिक मंगोल हमलों का सामना अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मुख्य रूप से मंगोलों को रोकने के लिए इसने दिल्ली में सीरी फोर्ट, सीरी में अपनी राजधानी बनाई और सीरी में अपना किला बनाया। ठीक है, चचनामा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे पुराना क्रॉनिकल है? कश्मीर, गंधार, सिंध, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3। और आज शाम को 5 बजे भी हिस्ट्री की सेशन है भाई, उसमें से भी चुनिंदा टॉपिक INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो डोंट मिस मत करना, बिल्कुल ज्वाइन करना शाम को 5 बजे। तो आप बात करें चचनामा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का पूरा सबसे पुराना क्रॉनिकल है? ये सिंध है। क्या बच्चे? सिंध है। तो चचनामा क्या? ये सिंध। अरब आक्रमण के समय जब अरब के आक्रमण हुए थे तो सिंध शासक दाहिर के अधीन था, जिन्होंने अपने राजधानी ब्रह्माबाद से 712 ईस्वी तक शासन किया था। सिंध के अंतिम हिंदू शासक और आधुनिक पंजाब के कुछ हिस्सों में थे। मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का है ना। भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था, जरा बता सकते हैं क्या? हु वाज द फर्स्ट रूलर? भारतीय जो मुगल काल, मुगल, इसीलिए तो मैंने सारा कुछ एक ही दिन सेट किया है। हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू प्योर अरेबिक क्वाइन इन इंडिया? तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए हैं। कौन है? इल्तुतमिश। सिक्के का नाम बता सकते हो क्या? क्वाइंस का नाम क्या था? इसके क्वाइंस का नाम क्या था बच्चे? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्कों को जारी किया, चांदी का सिक्का जिसे हम टंका कहते हैं और कॉपर का सिक्का जिसे जीतल कहते हैं। किसे कहते हैं? जीतल। तो क्या था? सिल्वर टंका और कॉपर जीतल, यह हमेशा याद रखना। आगरा में शाहजहां द्वारा बनाई गई निम्नलिखित इमारत में से कौन सा मास्को में सेंट बेसिल कैथेड्रल के पैटर्न के समान है? ताजमहल, आगरा का किला, पर्ल मॉस्को या शाहजहां महल? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, टंका और जीतल याद जरूर रखना। आगरा में शाहजहां द्वारा बनाई गई निम्नलिखित इमारत में से कौन सा मास्को में सेंट बेसिल कैथेड्रल के पैटर्न के समान है मोती मस्जिद? पता है? अभी देखो एक बच्चा कमेंट कर रहा है जो साहू जी हैं। भाई आप लगातार यही कमेंट करते रह जाओगे, आधे घंटे में कुछ सीखोगे नहीं, क्योंकि आप तो ऐसे ही करते रहोगे, पढ़ोगे नहीं। देख लो भाई, जब जान रहे हो सारा टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं तो पढ़ने पे तो फोकस करो मेरे लाल। मोती मस्जिद, जरा बताइए दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में जो पर्ल मॉस्को है, मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने किया था? दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करता है। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। गजनी के महमूद के समय या महमूद गजनी के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विद्वान आया था? उत्बी, अमीर खुसरो, अबू जायद बल्ख या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी। तो भाई जो महमूद गजनी के समय भारत में कौन सा मुस्लिम विद्वान आया था माय डियर? उत्बी आया था। तो महमूद गजनी अपने साथ खुफा को लेकर आता है। खुफा समझते हो ना किसे कहते हैं? खुफा किसे कहते हैं समझते हो ना? तो याद रखना, फूफा लेकर आया था महमूद गजनी। कौन? F4 फिरदौसी, U4 उत्बी, F4 फारूकी, A4 अलबरूनी। बेटा वादा ना कराओ, वादा तो टूट जाता है, इसलिए वादा मत करवाओ, कमिटमेंट मत करवाओ। ये चीज हमेशा याद रखना कि वादा टूट जाता है। बेटा पढ़ लो, ना तो ब्लॉक मार देंगे बिल्कुल अभी,
परेशान करोगे तो, है ना। पुरंदर की संधि पर मुगलों की और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में मुगलों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जयसिंह फर्स्ट, मानसिंह फर्स्ट, रामसिंह सेकंड, जयसिंह सेकंड। सवाल नंबर 7, तो पुरंदर की संधि पर मुगलों और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को जब हस्ताक्षर हुआ तो मुगलों की तरफ से कौन थे? जयसिंह फर्स्ट थे। कौन थे माय डियर? जयसिंह फर्स्ट। अच्छा, इस समय शासक कौन है, मुगल शासक जरा बता सकते हैं क्या? इस समय मुगल रूलर कौन है, मुगल रूलर कौन है, इस समय मुगल रूलर कौन है जरा बताओ। मुगल रूलर कौन है इस समय, मुगल शासक कौन है इस समय जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राजपूत शासक जयसिंह प्रथम, जो मुगल साम्राज्य का सेनापति था, मराठा शिवाजी के साथ 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुआ था। औरंगजेब, क्या बात है, शानदार है ना, बिल्कुल। आगे देखो, 1526 में डैश के कारण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, इब्न बतूता का आगमन हुआ था, वास्को डिगामा का आगमन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, औरंगजेब की काल की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो 1627 से लेकर 1658 है क्या? नहीं, 1658 से लेकर 1707, है ना, याद रखना, बिल्कुल औरंगजेब है। तो 1526 क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। इब्न बतूता 1333 में आता है, किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। वास्को डिगामा का आगमन 1498 में, और इस इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। बोलो जय जय सिया राम की जय, आपके सामने ये रहा, है ना। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और मुगल साम्राज्य कब तक? 1526 से 1758 कह दो, 1857 कह दो, अस्तित्व में रहा, लेकिन पावरफुल कहें तो 1761 तक। इसके बाद कमजोर होते गए मुगल शासक, है ना। द्वार समुद्र निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल, सातवाहन, पांड्या, चोल। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी। हाँ, वास्को डिगामा 1498। ओहो सर, मेरा नाम लीजिए, ले लिया सारेजा, अब बताओ किसका, और किसी का नाम ले लें तो बता दो, जितने हैं सबका नाम ले लेते हैं। मतलब औरंगजेब का नाम ले रहे अच्छा नहीं लग रहा है, अकबर बाबर का नाम ले रहे अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो भाई होयसल, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल की राजधानी थी माय डियर। 1310 के अंत में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में एक अभियान किया, उस अभियान सेनापति कौन था? मलिक काफूर। कौन है भाई? मलिक काफूर, याद रखना। सती अवस्था में निम्नलिखित में से किसके नाम में इति, कावेदी और इराडी हैं, बताइए। संगम काल कह दे सती अवस्था में, अरे यार ये हमारे हिंदी टाइपराइटर ना। संगम काल में, संगम काल में निम्नलिखित में से किसके नाम में इति, कावेदी और इराडी हैं? तो भाई क्या होगा? तो संगम काल की बात करें, उपाधि, ये टाइटल है, उपाधि है। संगम काल की बात करें, संगम काल में इति, कावेदी, इराडी क्या टाइटल है? बेटा सबका नाम ले लिया, चलो सरवन कुमार ले लिया नाम, और बता दो किसका नाम ले लिया। अरे पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, सबका नाम लेंगे, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, सिलेक्शन तो ले लो। उपाधि इति, कावेदी और इराडी संगम युग में अनुसरण की जाने वाली टाइटल है, उपाधियां हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। हमीम हुमाम जो रॉयल स्कूल के प्रमुख थे, किस मुगल सम्राट के दरबार को सुशोभित करते थे? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 11, तो हमीम हुकाम की बात करें तो ये अकबर के दरबार को सुशोभित करते थे माय डियर, अकबर के दरबार को। याद रखना, आज रात 10:05 पे मुगल डायनेस्टी, मुगल काल की पहली लेक्चर है ना,
हमीम हुकाम, हमीम हुमाम की बात करें अकबर के नवरत्नों में से एक है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसके विषय में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर एक जैसा है? आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। किस मुगल भवन में लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर देखने को मिलते हैं? ताजमहल। क्या ये ताजमहल बिल्कुल लंबाई चौड़ाई एक बराबर देखने को मिलता है? ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया, जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया। ताजमहल की गुंबद ऊंचाई लगभग एक समान है और आधार की लंबाई यानी 35 मीटर। आप ये देख सकते हो प्यार का प्रतीक है ना। अगर आगरा के होंगे या फिर गए होंगे तो बहुत मजा, मतलब बिल्कुल सुकून महसूस होता है, बहुत खूबसूरत है ना। 23 बार देखने का मौका मिला, गया था मैं। जरूर मौका मिले तो जरूर जाइए। वाह ताज। किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी तो माय डियर, किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया? इल्तुतमिश। न्यू किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक अधूरे काम को पूरा करता है। ठीक है, तो अंतिम रूप से पूरा करवाया तो फिरोज शाह तुगलक होता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। इसका निर्माण उनके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम, मुल्ला वजही, चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर 14। मुगल काल का पहला हिंदी विद्वान कौन था बच्चे? तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत लिख दिया। जिसने पद्मावत कहानी किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय में। शेरशाह सूरी के समय में है ना। मलिक मोहम्मद जायसी पहले भारतीय हिंदी विद्वान थे। उन्होंने शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध कविता पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की जो कहानी है वो लिखा था इन्होंने। शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को 1739 में कौन निकाल लिया था? अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15। क्या होगा? तो क्या होगा भाई? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जो आप देखते हो, ये 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध, जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है वो अहमद शाह अब्दाली के समय में। तो क्या होगा? नादिर शाह। इस समय मुगल बादशाह कौन है जरा कमेंट बॉक्स में बताना। इस समय मुगल बादशाह कौन है? इस समय मुगल बादशाह कौन है? इस समय मुगल बादशाह कौन है? जल्दी, इस समय मुगल बादशाह कौन है? इस समय मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, याद रखना। तो पीकॉक सिंहासन, जिसे तख्ते ताऊस कहते हैं, मुगल सम्राट शाहजहां ने सुनार बेदरा लाल खान के अंतर्गत 1628 में बनवाया था। ठीक है, जिसे पहले दीवाने आम आगरा के किला में रखा गया, फिर दीवाने खास लाल किला में रखा गया था। ये याद रखना। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु, हु वाज द गुरु ऑफ कबीर? कबीर के गुरु कौन थे बच्चे? तो कबीर के गुरु की बात करें, रामानंद है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे। वह भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि और रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 17। द रेपुटेड
म्यूजिशियन डियो तानसेन और बैजू बावरा, ये दोनों किसके समय में देखने को मिलते हैं? तो अकबर। किसके समय बच्चे? अकबर। तानसेन वास्तविक नाम रामतनु पांडे, जिनका मकबरा ग्वालियर में अकबर ने खुद बनाया था, ठीक है। बैजू बावरा का वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र, ये जरूर याद रखिएगा, और वे ध्रुपद गायक थे। मियां तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबारी गायक थे। तो बैजू बावरा का वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र था, ये याद रखना बच्चे। साहित्य अकादमी ने अपने पुरस्कारों के लिए कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी है? 20, 22, 24, 26, क्वेश्चन नंबर 18। तो 24 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितने? 24 भाषाओं को। जबकि हमारे 8th शेड्यूल की बात करें, 8वीं अनुसूची की बात करें, तो 22 भाषा ही मान्यता है, जबकि साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करता है। तो 8वीं साहित्य अकादमी पुरस्कार में 22 भारतीय भाषाओं के अलावा दो कौन है? राजस्थानी और अंग्रेजी है, जरूर याद रखिए। कौन है एडिशनल? राजस्थानी और अंग्रेजी, ठीक है। इसकी स्थापना 1955 में की गई है। कुवतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 19। कुवतुल इस्लाम मॉस्क्यो वाज बिल्ट बाय, कुवतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये पहला मस्जिद है दिल्ली का, दिल्ली में निर्मित पहला मस्जिद कुवतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने करवाया माय डियर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुवतुल इस्लाम, जिसे इस्लाम की ताकत कहते हैं शाब्दिक अर्थ, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया और मुसलमानों द्वारा भारत की विजय के बाद दिल्ली में निर्मित पहली मस्जिद, दिल्ली में निर्मित पहली मस्जिद। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सीदी बसीर मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। तो गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराता माय डियर कहां पे? फतेहपुर सिकरी आगरा। कहां पे? आगरा, है ना, याद रखना बिल्कुल। बड़ा इमाम बाड़ा की बात करें तो ये लखनऊ, जामा मस्जिद दिल्ली। कौन बनाता है? शाहजहां, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा, जिसे हम भव्यता का द्वार कहते हैं, मुगल सम्राट अकबर द्वारा कब पूरा किया गया था? याद होगा आपको, एनटीपीसी अगर आपने देखा होगा एनालिसिस, तो CBT 1 में पूछा गया था कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कब पूरा किया गया? 1601 में, जबकि फाउंडेशन पड़ता है बच्चे 1572 में। क्यों? क्योंकि गुजरात विजय कब होता है अकबर का? तो 1572 में गुजरात विजय है, ठीक है, याद रखना। उस भाषा का नाम बताइए जब मुगल शासन काल के दौरान शिविर भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या होगा? देखो, अगर दरबारी भाषा बोलता, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलता तब फारसी कहते, लेकिन कहा शिविर भाषा की बात करें तो उर्दू, यानी बोलचाल की भाषा। जैसे हम लोग मान लो कि अभी ऑफिशियल लैंग्वेज मान लो शुद्ध हिंदी बोलते हैं ऑफिस में या इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं ऑफिस से, का भाई, बढ़िया, का हाल, मतलब जो ओपन लैंग्वेज है, घर का लैंग्वेज है, खोरठा है, वो बात करते हैं। नहीं, जैसे मैंने अभी बात करी, मैं अपने दोस्तों से ऐसे ही बात करता हूँ जब मिलता हूँ, कहाँ हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं। तो वैसे उर्दू बोलचाल की भाषा थी, जबकि फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज था, याद रखना। उर्दू को मध्यकालीन भारत की शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया है। सब तुर्की का अर्थ है सैन्य शिविर, लश्कर, याद रखना बिल्कुल। फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा या मरियम पैलेस? सवाल नंबर 22। विच वन इज नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सिकरी? जल्दी,
इनमें से कौन भाई फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं बच्चे? क्वेश्चन नंबर 22। तो मोती मस्जिद फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है, ये कहाँ है? ये आगरा के किला में है, ये आगरा किला में है, आगरा फोर्ट में है। कहाँ भाई? आगरा फोर्ट में है। जबकि पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस, ये सब के सब फतेहपुर सिकरी में स्थित है, याद रखना। तो मोती मस्जिद कहाँ भाई? आगरा में है। एक मोती मस्जिद लाल किला परिसर दिल्ली में है, जिसका निर्माण औरंगजेब, इसका निर्माण किसने करवाया जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? खिलजी, तुगलक, दास, लोदी। सवाल नंबर 23। तो लंबे समय तक शासन किसने किया था? तुगलक वंश। लंबे समय तक तुगलक वंश। जब खिलजी वंश की बात करें तो 1296 से 1320, दास वंश 1206 से 1206 से, अरे बातें समझ में। लोदी वंश की बात करें तो सबसे ज्यादा दिनों तक तुगलक वंश, 1290 कर दो, 30 साल बैठता ये, 1206 से 1290। और लोदी वंश की बात करें सबसे अंतिम है ना, तो तुगलक वंश बेटा सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करता है, ये बिल्कुल याद रखना। लगभग 94 साल, लगभग 94 साल, 1320 से 1414। हाँ, दूसरी मोती मस्जिद को शाहजहां ने, बहुत शानदार है ना। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया 1320 से 1414 के बीच में, 94 साल। किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? बिल्कुल देखिए आज कितनी मोती मस्जिद है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज मोती मस्जिद सिचुएटेड? बहुत मोती मस्जिद में कंफ्यूज करते हैं हमारे बच्चे। आगरा, जयपुर, लाहौर, कोई नहीं, आज दिमाग में सेट कर लेना। तो आप देखोगे मोती मस्जिद आगरा, जिसका निर्माण शाहजहां कराता है, याद रख लेना। और दिल्ली में मोती मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगजेब करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा में करवाया था। भारत में पहली जनगणना किस समय की गई थी? मेयो, रिपन, ऑकलैंड, नेपियर। क्वेश्चन नंबर 25। तो भारत में पहली जनगणना की बात करें, लॉर्ड मेयो। पहली जनगणना किस समय की गई थी? लॉर्ड मेयो समय, 1872 में, और रिपन 1881 में। ये रेगुलर इंटरवल पे, यानी 10 वर्षों पे, लॉर्ड ऑकलैंड ने सबसे पहले जीटी रोड नामकरण किया था, जीटी रोड नामकरण किया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड करजन। सवाल नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी? हाँ, मेयो कॉलेज अजमेर, क्या बात, बहुत शानदार, बॉयज के लिए स्पेशली। तो लॉर्ड हार्डिंग, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, ये कब की बात है? 1911 की बात, कब की बात है बच्चे? 1911 की बात है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग भारत में ब्रिटिश शासित प्रदेशों के गवर्नर जनरल थे, और वे ही थे जो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करते हैं राजधानी, है ना, याद रखना। अंग्रेजों द्वारा गठित साइमन कमीशन का एम क्या था, उद्देश्य क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जहां चौरी चौरा हादसे में, जहां संवैधानिक सुधार, बोथ 1 और 2। और याद रखना, शाम 5 बजे आज मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना, जिसमें INC रिवीजन हो जाएगा, फिर आपका स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें सत्याग्रह वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा गठित साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। ये कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में भारत आता है, 3 फरवरी 1928। कहाँ पे? बम्बई। कहाँ पे आता है ये? बम्बई आता है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए क्या होता? हंटर कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी, याद रखना। नेक्स्ट,
नवंबर 1927 में अंग्रेजों ने आगे के संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता की जांच के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है, जिसमें 7 अंग्रेज होते हैं, इसलिए हम व्हाइट मैन कमीशन बोलते हैं, और इसका पुरजोर विरोध भारत में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? सवाल नंबर 28, बहुत मजा आएगा। सवाल नंबर 28 में भोला चांद, कानपुर, दिल्ली, मुंगेर, क्वेश्चन नंबर 28, बताइए क्या होगा? क्विक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? देखिए कितने ऐसे बच्चे, दिल्ली कानपुर, दिल्ली कानपुर, देखना सही है क्या? भोला चांद, आइए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब आप कई लोग कानपुर लगाओगे, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है माय डियर, समझना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना 1924 में पूर्वी बंगाल के भोला चांद गाँव में सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली ने अनुशीलन समिति की एक शाखा के रूप में की थी। अब आप कानपुर है, बिल्कुल है, सचिन सान्याल, जोगेश चटर्जी और रामप्रसाद बिस्मिल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो एचआरए जो आप जानते हो वो आर्मी है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की है। तो जब एचआरए होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो कहां जाएगा? भोला चांग जो ईस्ट बंगाल में पड़ेगा, और आर्मी होगा तो 1924 में कानपुर लगाना पड़ेगा आपको। कोई डाउट जरा बता दो आप। और इसका उद्देश्य क्या था? एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में यूएसए की तरह गणराज्य की स्थापना करना। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यहां पे क्या है भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है, एचआरए है, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग। ये कहां है बच्चे? ईस्ट बंगाल में है, ईस्ट बंगाल में। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे माय डियर, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, आप एचआरए जानते हो, एचआरए एसोसिएशन और आर्मी में अंतर है बच्चे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल, 1833 के एक्ट से। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल, और ये पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग मत लगाना, कैनिंग मत लगाना, ब्रिटिश भारत की बात करता है। अगर सवाल आता भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के, तब लॉर्ड माउंटबेटन लगाते, है ना। तो अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर वायसराय जो खत्म हो गया और फिर गवर्नर जनरल आ गया, तो एकमात्र भारतीय सिराज गोपालाचारी गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट की बात करें, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 30, यार सेशन मारा तो मजा तो कम से कम लाइक वाइक तो किया करो। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, देखो असहयोग कब हुआ था? 1920 में, ये 1919 में, ये 1917 में, तो इसमें कौन है? चेम्सफोर्ड है। ये तीनों घटनाओं में चेम्सफोर्ड, इस समय इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931। शाम को जरूर जुड़ना, शाम 5 बजे वाईफाई स्टडी पे मॉडर्न हिस्ट्री की जबरदस्त तरीके से फिर सेशन देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन जो आप कंफ्यूज करते हो, ठीक है भाई। सेशन मजा आया हो तो लाइक ठोक के जाना। इसके अलावा आप हमारे साथ ऐसा ही कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए, बिल्कुल डिटेल में पढ़ने के लिए, आप थ्योरी के साथ हमारे साथ जुड़े अनअकैडमी पे, जहाँ हमारी क्लास चल रही है 12:40 पे। अभी स्टिल ऑफर है 24 महीने के साथ 8 महीने, 12 महीने के साथ 4 महीने, जो बहुत फायदेमंद होगा बच्चे आपको अगर आप ज्वाइन करते हो तो। सर फी क्या है इसकी? तो 7800 दो साल का, जिसके साथ 8 महीने फ्री हैं, और फिर आप यूज कर सकते हो अपना क्रेडिट पॉइंट 10% और 10% हमारा रेफरल कोड बाबर देंगे, ठीक है। और प्राइस हाइक रेलवे एग्जाम कमिंग सून, ये आपको स्टिल बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा
उसके पहले आप थ्योरी पढ़िए ना, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच लेकर आ रहे हैं रेलवे के लिए, ठीक है। और संडे कॉम्बेट होगा तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, एक कोड मांगेगा आपसे, यहाँ कोड डालकर आप ज्वाइन कर लेना और फायदा उठाना। ये 1-3 रैंक आते हैं तो आपको SSC प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे एक साल के। सेशन अच्छा लगा होगा तो लगा लाइक।